जहाँ पे एक थार स्लिप करी थी, यहाँ से पीछे से आते हुए ना थार, स्नो के टाइम में वो सीधी इधर पीछे इधर गई थी खाई में, वो ये वाला पेड़ है वो इसके पास गिरी थी जो वो थार गई थी। गाड़ी खा गई, उतर के सारे आप कहा अफीज भाई, गाड़ी इसमें कैच हो गई है लाइव, मैं आ रही हूँ जिक से, अभी अभी एक गाड़ी गई क्या आई वो एक बंदा है यार, इसमें बंदा है, हाँ इसमें बंदा है, कसम से या अल्लाह इसमें बंदा है। जैसे कि आपको बताया कल पहलगाम से हम श्रीनगर आए थे, अब श्रीनगर में मॉर्निंग हो गई है और तो फिर सीधा इनोवा से हम ऑटो पे आ चुके हैं और अब बाइक रिसीव करने जा रहे हैं, बाइक लेंगे, हिमालयन है और एक 350 भी है, तो फिर दूध पथरी जा रहे हैं, फिर दिखा दें दूध पथरी कैसा है। बाइक्स ले लिए हमने, ये मेरी हिमालयन ये खड़ी है, इसे मैं चलाऊँगा अभी। तो ये एक बहुत ही शानदार प्लेन एरिया मिला है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस टाइम पे। दूध पथरी पहुंच गए हम लोग और यहाँ की लोकेशन काफ़ी अच्छी दिख रही है अभी, कितनी थी बहुत अच्छी लोकेशन है, और ये हमारी 350 है, ये अफरान भाई चला रहे थे 350 और मैं हिमालयन चला के लाया हूँ। तो अभी कुछ चाय वाय पियेंगे यहाँ, ये रेस्ट हो चाय पे यहाँ चाय पियेंगे और फिर जाते हैं उधर घूमने और फिर दिखाते हैं कैसा दिख रहा है दूध पथरी। तो रोड हम शायद गलत रूट से भी आए, थोड़ा बहुत ख़राब भी मिला हमको काफ़ी जगह, और वैसे कार वगैरह तो आ रही है तो रोड तो होगा, हम शायद गलत रूट पे चले गए थे। चलो खड़ी कर दो, आगे खड़ी करते हैं, आगे इधर दूध पथरी से एक पहले प्लेस पड़ता है 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले, तो मुझे ये बेटर लग रहा है दूध पथरी से, काफी प्लेन से एकदम बिल्कुल।
बिल्कुल स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग है यहाँ पे। ये 1 किलोमीटर पहले है दूध पात्री से, तो बहुत ही खूबसूरत है चारों तरफ, प्लेन एरिया है एकदम, और ये भेड़ चरने आई है यहाँ, बहुत सारी प्यारी 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 भीड़ है, और बादल भी कभी कभी बिल्कुल नीचे ही आ रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, सही में जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, बट जाना पड़ेगा, और भी काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस हैं हमारी जो जाना है। बहुत मज़ा आया यहाँ पे, एक बार दूध पत्री अगर कश्मीर आ रहे हैं तो ज़रूर विज़िट करें, अच्छी जगह है, रोड सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जैसे भी आना चाहें आ सकते हैं आप, बाइक कार एनीथिंग, बहुत बढ़िया रोड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, ये राइडर मेरे साथ है, सही है, घंटा शिकारा कर, और क्या कहते हैं, हम अभी श्रीनगर पहुंच गए, तो टाइम से पहुंच गए, 6:30 बज रहे हैं, और हम अब शिकारा करने जाएंगे, क्या बार बार जाएंगे, थकान तो काफ़ी हो गई है रोड। डल लेक में लोटस लेक है, मखाना दूसरी जगह भाग जाता है, जिनका ये होता है ना वो फिर बोलते हैं हमारा जमीन मत देगा, हमारा जमीन चोरी, ये भी तो चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, चल रहा है ना, चल रहा है, इन्होंने धक्का दिया ना। ये फ्लोटिंग लास्ट टाइम बताया नहीं था, भूल गया तू? अरे तो फ्लोटिंग तो है, लेकिन अब तो एक्चुअली फ्लोट कर रहा है, मतलब चल भी रहा है। दिखा कुछ? हाँ हाँ हिला हिला हिला, अभी तो बहुत हिला था, बढ़िया भाई, ले जाए। ओके ब्रो, तो आज सेकंड लास्ट मॉर्निंग है श्रीनगर की हमारी, कल फ्लाइट है वापस की, और आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग बाइक से, तो तैयार वगैरह हो रहे हैं, शफान की हिमालयन मैंने छीन ली है, तो वो थोड़ा नाराज है, पीछे पीछे घूम रहा है, ये नहाने गया था और मैंने इसकी की निकाल ली वहाँ से बाइक की, तो काफ़ी नाराज सा लग रहा है इधर इधर घूम रहा है। ट्रैकिंग पे वेट वाइप्स लेके जा सकते हैं, ताकि मर्ग के रास्ते में हम बीच में रुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा लेट हो गया था निकलने से, बाइक वगैरह पे थोड़ा लेट हो जाता है, तो धीरे भी चलते हैं, तो अभी थोड़ा सा 20 किलोमीटर आए होंगे श्रीनगर से अभी रास्ते में हम लोग, और गुलमर्ग जाएंगे अभी सीधा यहाँ से ब्रेकफास्ट करके। मैं रास्ता दिखाता हूँ आपको गुलमर्ग का कैसा है, ये रास्ता सामने सीधा गुलमर्ग को जाता है, रोड काफ़ी अच्छा है, और आगे टनमर्ग से भी काफ़ी सही रोड है। तो अभी हम वहाँ पे हैं जहाँ पे एक थार स्लिप करी थी,
यहाँ से पीछे से आते हुए ना थार स्नो के टाइम में वो सीधी इधर पीछे इधर गई थी खाई में, वो ये वाला पेड़ है वो इसके पास गिरी थी जो वो थार गई थी, तो इधर से पीछे से थार वो आई थी स्लिप करते हुए स्नो की और सीधा नीचे गई थी इसमें इस पेड़ के बराबर में। डोला पहुंचे हैं अभी और यहाँ पे पीछे दिख रही है इतनी लंबी लाइन है और ये ऑनलाइन बुकिंग के बाद इतनी लंबी लाइन है, ये टिकट ऑनलाइन ही होते हैं अब इसके, बट ये बैठने वालों की लाइन है इतनी लंबी। तो मुझे लग रहा है हमें टिकट मिले नहीं थे, 30 तारीख तक बुक थे, तो अब बिना गंडोले के जाना पड़ेगा। और वो पीछे मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ गंडोला कैसे जा रहा है पीछे बैक कैमरे से। तो ये गंडोला है पीछे जो चल रहा है ऊपर तार पे दिख रहा होगा, और ये इतनी लंबी लाइन है आफ्टर ऑनलाइन बुकिंग, बैठने वालों की लाइन है इतनी लंबी। गुलमर्ग के ग्रीन एरियाज हैं और बर्फ़ के टाइम पे स्नो के टाइम पे बहुत ही वाइट होते हैं, इस टाइम ग्रीन है। तो स्नो के टाइम पे अगर ये गुलमर्ग वाला एरिया देखना है ना तो मेरी एक पुरानी वीडियो है कश्मीर की, मैं स्नो के टाइम पे भी नवंबर में आया था तो वहाँ पे ये बिल्कुल वाइट था, पूरा वाइट था ये एरिया।